नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक जमीन रजिस्ट्री कराया, लेकिन जिनसे मैंने रजिस्ट्री कराया उनकी मृत्यु हो चुकी है, मेरा दाखिल खारिज अब तक नहीं हो पाया है, तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल व्यू आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कोई भी जमीन हम रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद की प्रक्रिया होती है दाखिल खारिज, म्यूटेशन। तो ऐसी ही परिस्थिति है कि कोई जमीन को रजिस्ट्री कराए और रजिस्ट्री कराने के बाद जिन्होंने मुझे जमीन रजिस्ट्री किया, मतलब जिन्होंने मुझे लिखा है, वे मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर ऐसे कंडीशन में मेरा दाखिल खारिज कैसे होगा? तो दोस्तों सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिन्होंने आपको जमीन लिखा है उनका उत्तराधिकारी कौन है, ठीक है, या फिर यूं कहें तो उनके वंशज में कौन है। वंशावली के आधार पर आप देखें कि कौन कौन उनके हिस्सेदार हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें सारा बात बता सकते हैं, आप अपने पेपर दिखा सकते हैं, वे अपने स्तर से वेरिफिकेशन कर ले, जांच कर ले, उसके बाद जो है दाखिल खारिज के लिए जो है वो आप उनसे सहमति ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि तत्काल का मैटर है तब तो आप जो है डायरेक्ट दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सहमति की बातें हैं यह ज्यादातर होता यूं है कि बहुत ज्यादा समय गुजर गया, 2 साल 5 साल 10 साल हो चुका है, तब ऐसे कंडीशन में जो है सहमति की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन तत्काल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और तत्काल में जो है कोई आपत्ति लगाता है तभी वहां पर रुक सकता है, ठीक है, नहीं तो दाखिल खारिज आपका हो सकता है। तो ये दो कंडीशन है, तत्काल है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर मान लीजिए कि ज्यादा दिन हो चुका है तब उसके लिए आप उनकी सहमति ले सकते हैं, उनके परिवार के वंशज के व्यक्ति से आप सहमति लेकर आप दाखिल खारिज अपना करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।